कई बार हमने बस में सफर किया। एक बार बेंगलोर से केरला जा रहे थे, शायद उस बस में 12 घंटे लगे या 14 घंटे लगे। उस बस में हम बैठे, परिवार, बेटियां थी शायद और कुछ सास संगत थी। उस बस में सफर कर रहे थे और 12 घंटे कब गुजर गए पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि सारे हमने एक गेम बनाया था, शब्दाक्षरी। सारे जितने भी पवित्र वचन परमपिता शास्त्रनाम श्याम स्थान जी ने भजन बनाए हैं उनकी शब्दाक्षरी चल रही थी। और वो करते 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 पता ही नहीं चला सफर कैसे बीत गया। बड़ा मजा भी आ रहा था। कितना बढ़िया है अगर आप लोग ऐसा करते थे। और जहां से गुजरते थे वो लोग भी बस को घूर घूर के देखते थे, यार इसमें राम नाम की आवाजें क्यों आ रही हैं? क्योंकि लोगों के लिए अजूबा है अगर कोई राम नाम गाते जा रहा है। गाड़ियां तो आजकल लोग हर कोई निकालता है, चुपचाप बैठे तो सारे जा रहे होते। हम ये नहीं कहते किसी को डिस्टर्ब करो, स्पीकर लगा लगा के गाना जरूरी नहीं, पर आपस में अंदर बैठे बैठे तो गा ही सकते हो, कोई डिस्टर्ब ही नहीं होगा। और आपकी जो समय है, आपकी जो यात्रा है, वो बड़ी सुखद पूर्ण होगी। तो गेम बना सकते हो आप, राम नाम का कोई भी, ईश्वर की भक्ति की बातें कर सकते हो एक दूसरे को, जो सत्संगियों के साथ घटता है, जो वो शरेआम सुनाते रहते हैं वो बातें सुना सकते हो, जो सुमरण में घटता है, जो अंत्यकर्म में सुमरण के द्वारा चढ़ाई होती है वो शेयर ना करें क्योंकि वहां ब्रेक लग जाते हैं, वो मान बड़ाई में आ जाता है। बाकी कोई घटना घटी तो वो एक दूसरे को बताओगे तो आपका पुण्य बनेगा क्योंकि वो सुन के मोटिवेट होगा और वो भी राम का नाम जपेगा और आपको खुशियां आएंगी।